नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं बिहार की अब तक की बड़ी खबरों को। बिहार में शीतलहर की संभावना फिलहाल नहीं, बिहार के लोगों को थोड़ी राहत मिली है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो वर्तमान समय में बिहार में शीतलहर की स्थिति बनती नहीं देखी जा रही है, जिसके बाद आने वाले कुछ दिनों में स्थिति के सामान्य रहने का अनुमान लगाया गया है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो अगले 24 से 48 घंटे तक मौसम सामान्य बना रहने वाला है। हालांकि एक नया और प्रभावी विभक्ष 26 दिसंबर के आसपास पश्चिमी हिमालय की तरफ से आने का अनुमान लगाया गया है, जिसके कारण ही 28 या 29 दिसंबर के तापमान में गिरावट होने का पूर्वानुमान है। हालांकि बीते 24 घंटे की बात करें तो बिहार में मौसम शुष्क बना रहा। राज्यपाल और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दी प्रदेशवासियों को क्रिसमस की बधाई। राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्रिसमस की पूर्व संध्या पर राज्यवासियों को क्रिसमस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी है। मुख्यमंत्री ने इस बाबत कहा कि प्रभु यीशु मसीह के संदेश को हम अपने जीवन में उतारे। मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया है कि क्रिसमस का पर्व राज्यवासियों में प्रेम सद्भाव के साथ साथ सुख शांति और समृद्धि लेकर आएगा। राज्यपाल फागू चौहान ने क्रिसमस के अवसर पर सभी बिहारवासियों और देशवासियों को बधाई दी है। नए साल के जश्न में पुलिस की होगी पैनी नजर। नए साल पर शांति बनाए रखने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप पार्कों के साथ ही शहर के प्रमुख जगहों पर सादे लिबास में पुलिस गश्त करने वाली है। होटलों, ढाबों और रेस्टोरेंट में पुलिस जांच करने वाली है। ऐसे में अगर कोई भी नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी। इसके लिए आईजी रेंज संजय सिंह की तरफ से पटना और नालंदा एसएसपी को कड़े निर्देश दिए गए हैं। एसएसपी के आदेश पर सभी थानों की पुलिस शुक्रवार को विशेष रूप से अलर्ट रहेगी। जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी कल से। जदयू की 2 दिवसीय बैठक की तैयारियां पूरी हो चुकी है, जिसके बाद 26 दिसंबर को राष्ट्रीय पदाधिकारी और 27 को राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक होने वाली है। इसके लिए शुक्रवार से नेता पहुंचने लगे हैं। आपको बता दें यह बैठक पार्टी प्रदेश कार्यालय के कर्पूरी सभागार में मुख्यमंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार की अध्यक्षता में होगी। बाहर से आने वाले नेताओं के ठहरने के इंतजाम के लिए सब कुछ कर दिया गया है। जदयू राष्ट्रीय महासचिव आफाक अहमद ने यह जानकारी दी है। इतना ही नहीं, आने वाले 2 दिनों तक नीतीश कुमार की अध्यक्षता में पार्टी की आगे की रणनीति पर मंथन होगा। यूपी बिहार की अर्थव्यवस्था को चौपट कर रहा है वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण के कारण अब तक स्वास्थ्य पर होने वाले प्रभावों की चर्चा तो खूब सुनने में सामने आई है, हालांकि इससे अब आर्थिक नुकसान भी कई राज्यों को उठाना पड़ रहा है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने हाल ही में जारी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि वायु प्रदूषण के चलते उत्तरी और मध्य भारतीय राज्य में भारी आर्थिक क्षति उठाना पड़ रहा है। इसमें उत्तर प्रदेश और बिहार सर्वाधिक प्रभावित है। लासन प्लेनेटरी हिल्स में प्रकाशित रिपोर्ट इंडिया स्टेट लेवल डिजीज वर्डन इनिशिएटिव के अनुसार वायु प्रदूषण के कारण देश को कुल सकल घरेलू उत्पाद के 1.4% के बराबर की क्षति हो रही है, लेकिन यदि राज्यों की स्थिति पर नजर डाले तो उत्तर प्रदेश एवं बिहार जैसे राज्य भारी क्षति का सामना कर रहे हैं। बिहार में खेलो इंडिया के तहत 51 करोड़ की 10 खेल परियोजनाओं को केंद्र की मंजूरी। बिहार की 10 परियोजनाओं को खेलो इंडिया योजना के तहत केंद्र सरकार ने स्वीकृति दे दी है। ये परियोजनाएं 51 करोड़ की है। केंद्र सरकार के युवा मामले और खेल मंत्रालय ने परियोजनाओं की स्वीकृति की जानकारी बिहार के कला संस्कृति एवं युवा विभाग को पत्र में दे दिया है। जल्द ही इनको जमीन पर उतारने का प्रयास भी दिखने लगेगा। केंद्रीय मंत्रालय ने योजना के प्रावधानों के अनुरूप शीघ्र कार्य शुरू करने का आग्रह विभाग से किया है। इसमें जमीन की स्वीकृति और एजेंसी का चयन आदि प्रमुख है। आज बिहारी बर्थडे स्पेशल में हम बात करेंगे गंगानाथ झा की। गंगानाथ झा का जन्म बिहार के मधुबनी जिले में हुआ था। गंगानाथ झा संस्कृत भारतीय दर्शन और बौद्ध दर्शन के विद्वान थे। वो न्याय शास्त्र का भी एक प्रतिरूप थे। 24 वर्ष की आयु में उन्हें महाराजा द्वारा दरभंगा राज्य का पुस्तकालाध्यक्ष नियुक्त किया गया। 1902 में उन्हें इलाहाबाद के मुइर कॉलेज में संस्कृत का प्रोफेसर नियुक्त किया गया था, जिसे उन्होंने 1918 में बनारस के सरकारी संस्कृत कॉलेज का पहला भारतीय प्रिंसिपल बनने के लिए छोड़ दिया था। 1920 से लेकर 1923 के बीच उन्होंने भारत की केंद्रीय ब्रिटिश सरकार में राज्य परिषद के सदस्य के रूप में काम किया था। अटल बिहारी वाजपेयी की 4 विजन पेंटिंग बनाकर राजीव ने अपने नाम किया कई रिकॉर्ड। बिहार के हर क्षेत्र में प्रतिभा का बोलबाला है, जिन्होंने समय समय पर कई खिताब को अपने नाम दर्ज किया है। ऐसे में जिले के एक्रिलिक पेंटर राजीव राज ने हाल ही में लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के बाद अब इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी अपना नाम दर्ज करवा लिया है, जिसके बाद पेंटिंग को अपना पूरा जीवन समर्पित करने वाले राजीव का नाम 3 बड़े रिकॉर्ड के लिए दर्ज किया गया है। यह खिताब पेंटर राजीव राज के 4 मंजिले इमारत के बराबर बनाए गए एक्रिलिक पेंटिंग को देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को समर्पित करने के लिए दिया गया था।
सड़क जाम और हंगामा करने के आरोप में पप्पू यादव समेत कई के खिलाफ मामला दर्ज। किसान आंदोलन के समर्थन में राज्य भवन मार्च के दौरान सड़क जाम करने और हंगामा करने के लिए अगमकुआं पुलिस ने हाल ही में पप्पू यादव के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। आपको बता दें, धरना और राजभवन मार्च के दौरान पप्पू यादव के समर्थकों और पुलिस के बीच 20 दिसंबर को तकरार हुई थी। इसके बाद ही पुलिस ने यह कदम उठाते हुए जाप प्रमुख पप्पू यादव समेत एक दर्जन से अधिक लोगों को नामजद किया है। इसके साथ ही 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद की मां ने पटना में ली आखिरी सांस। भाजपा के वरिष्ठ नेता केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद की मां विमला प्रसाद ने दुनिया को अलविदा कह दिया है, जिसके बाद उनके पार्थिव शरीर को दर्शनार्थ नागेश्वर कॉलोनी स्थित उनके आवास पर रखा गया है, जिसके बाद कल उनकी मां का अंतिम संस्कार किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक केंद्रीय मंत्री की मां ने पटना के पारस हॉस्पिटल में देर रात अंतिम सांस ली। वो पिछले 2 महीने से काफी बीमार चल रही थी। बताया जा रहा है कि रविशंकर की मां विमला प्रसाद को पिछले 2 महीने से सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, जिसके चलते पहले दिल्ली में इलाज के बाद उनका पटना स्थित आवास पर ही एक मिनी आईसीयू बनाकर इलाज चल रहा था। भाजपा ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री नंदकिशोर यादव ने हाल ही में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को निशाने पर लिया है, जिसके तहत उन्होंने हाल ही में अपना बयान जारी करते हुए कहा है कि कांग्रेस के युवराज कृषि सुधार कानून और सिर्फ हवा हवाई बातें करने में जुट गए हैं। या तो उन्होंने अब तक कृषि सुधार कानून को ठीक से पढ़ा नहीं है, या फिर अगर पढ़ा भी है तो समझा नहीं है। नंदकिशोर यादव ने इस बाबत कहा कि वो कृषि कानून पर अपने अधकचरे ज्ञान से लोगों को गुमराह नहीं करे। कृषि कानून पूरी तरह से किसानों के हित में ही है, इस बात को किसान स्वीकार करेंगे और कांग्रेस के युवराज का एक और झूठ पकड़ा जाएगा। नेहा कक्कड़ ने शादी से पहले पति रोहनप्रीत की एक्स गर्लफ्रेंड को अनफॉलो करने की कही बात। फेमस सिंगर नेहा कक्कड़ इन दिनों पति रोहनप्रीत सिंह के साथ मैरिड लाइफ एंजॉय कर रही हैं। वहीं हाल ही में रोहनप्रीत के नए गाने एक्स कॉलिंग के पीछे की कहानी नेहा कक्कड़ ने खुद ही बता दी है। हाल ही में कपिल शर्मा के सेट पर पहुंची नेहा और रोहनप्रीत से कपिल ने इस गाने को बनाने के पीछे की वजह पूछी थी, जिसके जवाब में ही नेहा ने हंसते हुए कहा, क्या हुआ, मैंने अनफॉलो करवा दिया और इन्होंने गाना बना लिया। जिस पर कपिल ने कहा कि हमने तो बस सुना था, लेकिन अब आपने सच्चाई खुद ही बता दी है। आपको बता दें, नेहा और रोहनप्रीत इसी साल शादी के बंधन में बंधे हैं। टेस्ट मैच में डेब्यू करने के लिए तैयार है शुभमन गिल। भारतीय टीम वर्तमान समय में ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर है, जहां पहले टेस्ट मैच में भारत को करारी हार का सामना करना पड़ा था। वहीं अब शनिवार से बॉक्सिंग डे टेस्ट की शुरुआत होने वाली है, जिसके बाद इस बार टीम इंडिया कई बदलाव के साथ मैदान में उतरने वाली है। मिली जानकारी के अनुसार कल से शुरू होने वाले मैच में टेस्ट क्रिकेट में शुभमन गिल डेब्यू करने वाले हैं। उनको प्लेइंग 11 में शामिल होने का रास्ता साफ हो गया है, जिसके बाद ट्विटर पर फैन तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं। साथ ही पहले टेस्ट मैच के लिए ढेर सारे शुभकामनाएं संदेश भी भेज रहे हैं। देश में कोरोना प्रभावितों की संख्या पहुंची 1 करोड़ के पार। देश में कोरोना प्रभावितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार भारत में पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 23,068 मरीजों की पुष्टि की गई है, जिसके बाद प्रभावितों की संख्या बढ़कर 1,01,46,846 पर पहुंच गई है। वहीं बीते 24 घंटे में कुल मिलाकर 336 लोगों की जान जा चुकी है, जिसके बाद जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 1,47,092 पर पहुंच गई है। वहीं अब तक पूरे देश में कोरोना का प्रभाव कम होता जा रहा है, जिस तरह से बीते कुछ दिनों में कोरोना के नए मामलों में गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं आपको बता दें, भारत में अब तक कुल मिलाकर 97,17,834 मरीज ठीक हो चुके हैं, जिसके परिणाम स्वरूप अब भारत में 2,81,919 सक्रिय मामले बचे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार शुभमन गिल को टीम में जगह देने से भारतीय टीम को फायदा होगा या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।